This is our third session. I welcome all of you back to session number 3. और इसमें we will be talking about the poetry section. हमारा जो question number 3 है, that is about the poetry and I have already explained कि poetry में क्या होता है और किस तरह के questions आपको आएंगे. तो अभी I'm just moving through the the practice sessions. Practice 1, फिर practice 2, ये सारे के सारे जो passages हैं, they are shared with you and they are taken from the जो आपकी जो पंजाब की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है. लेकिन अगेन आई एम गिविंग यू अ वार्निंग, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, किस कहीं से भी पैसेज आ सकता है और उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. आप इसको सिंपली गो थ्रू कर सकते हैं फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आपने पैसेजेस जो है वो उनको करना है. बट यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन एनी पैसेज. इफ एनी वन टेल्स यू कि ये वाला पैसेज कर लो या वो वाला पैसेज कर लो, तो दैट इज दैट इज अ ब्लफ, दैट इज अ टोटल ब्लफ. तो ब्लफ जो है वो समटाइम्स काम भी कर जाती है और समटाइम्स जो है वो आपको फिर या आपको बिलियनियर भी बना सकती है और आपको फिर जो है वो मरवा भी सकती है. ओके, सो सर हम समरी में सिनोनिम वर्ड यूज करें. यस, इट इज बेटर टू यूज द सिनोनिम्स, इट इज बेटर टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स. लेकिन आपने उस टेक्स्ट में से निकलना नहीं होता, उस टेक्स्ट के ऊपर अपनी तरफ से कुछ जजमेंट्स पास नहीं करनी होती, आपने सिर्फ उसको समराइज करना है, उसके ऊपर अपनी कहानी लिखने न बैठ जाएं, उसके ऊपर अपनी क्रिटिक लिखने न बैठ जाएं. शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया, जैसे somebody was asking the question कि सर अगर हमें अपनी ओपिनियन पूछी जाए, अगर आपसे ओपिनियन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी गई है तो आप अपनी ओपिनियन दें, वरना जो पैसेज है उस पैसेज को सिंपली जो ऑथर के एडजेक्टिव हैं, ऑथर अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर रहा था तो उसमें यार प्लीज श्योर नहीं करो. तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव जो हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप क्या करें, अपना जो जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करें. सो देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पैराफ्रेज क्वेश्चन. ठीक है, जो आपका जो सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है समरी वाला. इफ वी हैव टू स्टार्ट समरी फ्रॉम, सर वी हैव टू स्टार्ट समरी फ्रॉम इन द फर्स्ट पैराग्राफ. नहीं, आपने स्टार्ट करनी है एज आई वाज टेलिंग फातिमा कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, फर्स्ट सेंटेंस इन दिस पैसेज या इन दीज पैराग्राफ्स, या तो आप कहेंगे इन दिस पैसेज या इन दीज पैराग्राफ्स, और उसमें आप पूरे पैसेज का या सारे पैराग्राफ्स का जिस्ट आप देंगे, उसका क्रक्स देंगे, और फिर उसके बाद आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो है वो उसको समराइज करते जाएंगे. आपका पहला जो सेंटेंस है ना वो आपका गेम चेंजर सेंटेंस होता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका पोएट्री का पोर्शन है, और पोएट्री के पोर्शन में, पोएट्री का जो पोर्शन है उसमें आपने दो जो बुक्स हैं, बलोचिस्तान की बुक, सॉरी केपीके की बुक और पंजाब की बुक, इन दोनों बुक्स में से आपने लाजमी सारी की सारी जो पोएम्स हैं उनको आपने अटेम्प्ट करने हैं. जस्ट गिव मी वन सेकंड. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग यू इज के पोएट्री का पोर्शन आपने कंपल्सरी लाजमी करना है. अब जी बच्चे, अभी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं ना, अभी हम लोग करने वाले. अच्छा, आप देखें पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर बलोचिस्तान की बुक मैंने नहीं कंसल्ट की. ठीक है, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बलोचिस्तान की बुक मुझे मिली नहीं. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मुझे बलोचिस्तान से कोई बंदा किताबें भेज दे. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मुझे मिल गई थी, लेकिन नाइन्थ टेंथ की मुझे नहीं मिल सकी थी, और फिर उसके बाद लेटर ऑन आई गॉट बिजी एंड आई स्टॉप्ड परसूइंग इट. तो केपीके की और जो बलोचिस्तान जो पंजाब की बुक्स हैं दैट आई हैव विद मी, आई कैन शो इट टू यू एज वेल, एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी हैविंग दीस बुक्स. ये आपकी नाइन्थ क्लास की जो केपीके की बुक है, और जो पंजाब की है वो मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में मौजूद है. अब जो पंजाब है, पंजाब के अंदर दो पोएम्स हैं, और जो केपीके की बुक है, जो बच्चे केपीके की बुक फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, इसमें एक डेफोडिल्स है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है होप इज द थिंग विद फैदर्स, ये सेकंड पोएम है, और जो थर्ड पोएम है दैट इज द ओल्ड वुमन, और चौथी पोएम है अबू बिन अदम. चार पोएम्स हैं जो कि केपीके की बुक में शामिल हैं, और दो पोएम्स हैं किसमें, पंजाब के टेक्स्ट में. तो चार और दो कितनी हो गई, छह. अब इसमें मजे की बात यह है कि जो डेफोडिल्स है वो पंजाब में भी है और केपीके में भी है. तो दिस मीन्स कि हमारी जो टोटल जो हमने पोएम्स करनी है वो कितनी है, दे आर फाइव पोएम्स. और आपको जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस वो आपको कितने आते हैं, आप ये देखें, आपने मेरी बात को जो है, या स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है वो पंजाब में है. अब टोटल हमारे पास पोएम्स कितनी हो गई, पांच. स्टैंजास हमारे पास कितने आने हैं, स्टैंजास को अगर हम देखते हैं, एक मिनट, लेट मी स्टॉप द वीडियो. यस,
स्टैंजा हमारे पास कितने आने हैं? स्टैंजा नंबर वन, स्टैंजा नंबर टू, स्टैंजा नंबर थ्री एंड स्टैंजा नंबर फोर। चार आपके पास स्टैंजा आने हैं। हर पॉइंट में से एक एक स्टैंजा ही ऑब्वियसली आएगा। ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक ही पॉइंट में से जो है ना वो स्टैंजा जो है उसको वो रिपीट कर दें, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो चार जो है वो आपके पास स्टैंजाज होंगे जिसमें से आपने दो स्टैंजाज को रिस्पॉन्ड करना होगा। दो स्टैंजाज को आपने क्या करना होगा? रिस्पॉन्ड करना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या होगा? दो स्टैंजाज होंगे, एक को रिस्पॉन्ड करना होगा। सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है उसमें भी दो स्टैंजाज होंगे, एक को आपने रिस्पॉन्ड करना होगा। अब अगर पांच में से आप तीन पॉइंट्स कर लेते हैं ना, तीन पॉइंट्स पांचों की पांचों आप नहीं भी करते, तीन पॉइंट्स को आप दो पर्सपेक्टिव से तैयार कर लें, तीनों पॉइंट्स की पैराफ्रेज कर लें, और तीनों पॉइंट्स जो हैं, देयर इज ओनली वन पॉइंट इन द बलूचिस्तान बुक। वाओ वाओ, इट्स ग्रेट। जूना आपने पढ़ी है बलूचिस्तान वाली बुक? अब्दुल्ला वाज टेलिंग मी कि अब्दुल्ला ने पढ़ी हुई। अब्दुल्ला, अच्छा यस, अब्दुल्ला के आगे हैं। अब्दुल्ला इज रिस्पॉन्डिंग। अब्दुल्ला वाज सेइंग कि देयर आर थ्री पॉइंट्स। अच्छा, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, तो आप क्या करें सर? जी सर, वो जो शुरू होने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मैं वो रिपीट करूं या अभी ना करूं? यस यस यस, यू शुड रिपीट द क्वेश्चन। तो सर, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये मेरे पास अपनी है ये पंजाब बोर्ड की बुक, ठीक है? तो अब एज फ्रॉम माय टीचर के हमारे बुक से एक आएगी, यानी कि एक आएगी और दूसरी जो ना बुक के बाहर से होगी, या वो भी बुक से हो सकती है? बेटा, बुक के बाहर से का मतलब ये होगा ना कि वो पंजाब की बुक में से नहीं होगी। यस सर, बुक से बाहर का मतलब ये है कि पंजाब की बुक में से नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है सबसे पहले हम डैफोडिल्स को करेंगे। डैफोडिल्स का जो टेक्स्ट है वो ज़ाहिर बात है किताबें आपके पास हैं, तो मैंने किताबें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा किसी भी पोइम का। तो आपने करना क्या है, आपने डैफोडिल्स को लाजमी करना है, ठीक है? और क्योंकि ये बलोचिस्तान में भी, केपीके में भी, यार बार बार केपीके कहने लगता हूँ, मेरे मुँह पे ना बलोचिस्तान आ जाता है। KPK की बुक में भी है और पंजाब में भी है। अब्दुल्ला, कैन यू कंफर्म इट इफ इट इज रिपीटेड इन बलूचिस्तान एज वेल? नो सर, ओनली टू। ओके, सो डैफोडिल्स को आपने लाजमी करना है। डैफोडिल्स आपसे कहीं ना कहीं वो पैराफ्रेज में या क्वेश्चन आंसर्स में लाजमी पूछेगा। तो मैंने ये किया है कि आई रिटन द पैराफ्रेज एंड द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एवरी स्टैंजा, लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा and then there are three questions that I've prepared and I've answered these three questions as well, although इनके answers lengthy भी हो सकते हैं, but since the question will be of one mark or at best two marks का आपका question होगा, तो मैंने जो answers लिखे हैं वो एक number या दो number के perspective से ही लिखे हैं, ठीक है? तो you shouldn't be worried about it कि शायद answers छोटे हैं या लंबे हैं या बड़े हैं, आपका एक number का सवाल होगा या दो number का सवाल होगा, तो आपने उसी हिसाब से ही आपने उस question को answer करना होगा। So what you need to do is that you need to first do the paraphrase of all the poems. Har poem ke andar do do teen teen stanzas hain, koi itni lengthy poems nahi hain. KPK ke jo poems hai wo to bilkul choti choti si nanni munni si poems hain, theek hai? Ek jo last poem hai Abu bin Adam, wo important hai poem. Ab agar main aapko in simple words, agar aap mujhse puchte hain ki sir hame char poems bata dein jo important ho, char poems, अगर एक आपका ये क्वेश्चन हो गया सर, अगर हम आपसे पूछें चार पॉइंट्स आप हमें बताएं तो वो कौन कौन सी होंगी, तो उसमें नंबर वन होगी डैफोडिल्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चार स्टैंजाज आएंगे, नंबर वन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स में से पैराफ्रेज भी आ सकती है और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। नंबर टू स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, जो पंजाब वाली बुक है, और उसके बाद जो नंबर थ्री और नंबर फोर पे मैं आपको चार पॉइंट्स बता सकता हूँ, वो है एक आपकी जो केपीके के अंदर है आपकी होप इज अ थिंग विद फैदर्स, और फिर उसके बाद अबू बिन आदम। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये क्या है आपकी केपीके की बुक में इंपॉर्टेंट है। बलोचिस्तान की मैंने कंसल्ट ही नहीं की, ना मैंने बच्चों को पढ़ाई है, तो मैं यही आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आपने बलोचिस्तान वाली पढ़ी हुई है तो बलोचिस्तान के साथ आप या पंजाब की या केपीके की एक बुक की सारी पॉइंट्स कर लें, और अगर आपने पंजाब की करीबी है तो आप पंजाब के साथ जो है वो मतलब तीन है तो तीन में से दो किताबें आप सेलेक्ट करके उनकी सारी की सारी पॉइंट्स जो है वो आपने उनको आपने स्टडी करना होगा, ठीक है? एंड देन यू आर गोइंग टू बी सेफ इन योर यू नो दिस क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आई लीव दिस टू यू, आपने इसको खुद, इट्स 5-6 पेजेस ओनली, जिसमें केपीके की और पंजाब की जो पॉइंट्स हैं उसका मैंने एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। There is only one thing that I want to tell you, and that is ki you need to know the difference between paraphrase and explanation. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैफोडिल्स है
and if I open daffodils, तो उसका जो first stanza है, that is, I wandered lonely as a cloud. ठीक है, यही वाला stanza है ना पहला, ठीक है? I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ये आपका first stanza है. अब जब आपको paraphrase करने के लिए कहा जाता है, तो what the students do is that in these lines the poet wants to, और फिर उसके बाद वो उसकी explanation लिखना start कर देते हैं. You don't need to do that. You just need to write the paraphrase, and this is how the paraphrase is written. As I walked along, like a cloud floating high above valleys and hills, suddenly I saw a large group of golden daffodils beside a lake, under the tree, fluttering and dancing in the breeze. अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आप इसको इसके सिनोनिम्स लिख दें, ठीक है? बट दिस इज द आपकी कह सकते हैं द स्टैंडर्ड पैराफ्रेज ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, द स्टैंडर्ड पैराफ्रेज. आप बेशक ऑल्दो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस, मुझे ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं कहनी चाहिए, एक इंग्लिश के टीचर को कभी भी ऐसी बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहनी चाहिए, बट ये है कि मैं आपको यू नो इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप इसको रट्टा भी लगा सकते हैं. इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको ये लगे कि यार मैं इसको रट्टा लगा लूं, तो आप बेशक इसको रट्टा लगा लें, बट दिस इज हाउ योर पैराफ्रेज शुड बी फॉर एवरी स्टैंजा. सर जी जी सर, इसमें ये लिख सकते हैं कि instead of fluttering and dancing in the breeze, के they are swaying in the breeze. Yes, yes. As I was saying, you can use the synonyms, but आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करना. और पोएट का नाम, पोएम का नाम, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट इन पैराफ्रेज. शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि इसका पोएट का नाम क्या है, इस ये स्टैंजा किस ऑथर ने लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा. स्टैंजा में से आपसे वो क्या पूछेगा, स्टैंजा में से वो आपसे हर स्टैंजा, कोई सा भी स्टैंजा आता है ना, तो आपसे वो चार से पांच चीजें आपसे पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है? थीम. हर स्टैंजा की आपको थीम पता होनी चाहिए, हर स्टैंजा के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको पता होनी चाहिए, राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए, राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स बनाना, राइमिंग वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा क्या होना, क्या आपको का पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हम इसको बोलते हैं टेक्स्चुअल कॉन्टेक्स्ट, कि जो आपको टेक्स्ट दिया गया है ना, उसके अंदर क्या बातचीत चल रही है, उसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? अब ये टेक्स्चुअल कॉन्टेक्स्ट किस तरह से होता है कि जो टेक्स्ट है ना, उसके अंदर जो उसका जो माहौल है, जैसे यहाँ पे से वो आपसे पूछ रहे हैं कि वेयर डिड द स्पीकर सी द डैफोडिल्स, कहाँ पे उसने देखा उनको. अब ये ना तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना ये फिगर ऑफ स्पीच है, ना राइमिंग स्कीम है, ये आपसे कॉन्टेक्स्चुअल टेक्स्चुअल कॉन्टेक्स्ट के जो टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो यस, फ्लटरिंग की जगह आप वेविंग भी लिख सकते हैं. इफ ही आस्क्ड अबाउट एनी टू पोएटिक डिवाइसेस देन कैन वी यूज राइमिंग, नहीं, राइमिंग स्कीम जो है वो इट्स नॉट अ, ये उस तरह से पोएटिक डिवाइस नहीं है. राइमिंग स्कीम जो है दैट इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा आपका वो जो स्ट्रक्चर है. राइमिंग स्कीम को कभी भी हम एज अ पोएटिक डिवाइस है, तो ये पोएट्री की डिवाइस ही, लेकिन हम इसको एज अ डिवाइस यूज नहीं करते, बल्कि राइमिंग जो होती है वो क्या होती है, वो एक टेक्निक होती है. डिवाइस और टेक्निक में आई होप कि आपको फर्क पता होगा कि टेक्निक क्या होती है और डिवाइस क्या होती है. बॉल है, बॉल आपकी एक डिवाइस है. अब आप उसको उसको फेंकते कैसे हैं, आप उसको बॉल करते कैसे हैं, बॉल को बॉल कैसे करते हैं, वो आपकी फिर क्या होती है, टेक्निक होती है. तो राइमिंग स्कीम जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस को, जिस तरह एक गेंद को फेंका जाता है तो वो एक फेंकने का एक तरीका होता है. मरियम पूछ रही है कि डू वी हैव टू मेंशन द पोएट्स नेम एंड द, नो मरियम, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, कि आपने पोएम का या पोएट का नाम जो है वो उसमें पैराफ्रेज में बिल्कुल भी आपने नहीं बताना. आपने सिंपल आपको कहा गया कि पैराफ्रेज आपसे पूछे गए व्हाट वाज द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही सॉ द डैफोडिल्स, तो आप कहेंगे द स्पीकर वाज वांडरिंग अलोन एंड ही फेल्ट लॉनली बिफोर ही सॉ द डैफोडिल्स. या आप ये कह सकते हैं कि द स्पीकर वाज वांडरिंग अलोन एंड ही वाज फीलिंग लॉनली बिफोर ही सॉ द डैफोडिल्स. सिंपल टू द पॉइंट आंसर आप लिखें. Second stanza है, the daffodils were arranged in a continuous line. Excuse me, sir. जी जी बच्चे. एक question है.
पैराफ्रेजिंग के रिलेटेड, तो हमें जो टीचर ने करवाया उन्होंने पैराफ्रेजिंग थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है, द पोएट और द ऑथर करके. तो हम लोग फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से? आप जो उसके अंदर जो टोन है ना, ठीक है, उसी में आप करेंगे. जब आप उसको थर्ड पर्सन में लेगा, दिस मीन्स कि आप जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक बात की है. व्हाट्स योर नेम बेटा? एमन. एमन. अब जैसे ही मैं कहता हूँ ना कि शी सेड, तो दिस का मतलब है कि जैसे ही मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज करूंगा तो ये इसका मतलब है मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पैराफ्रेज नहीं कर रहा. पैराफ्रेज में क्या होता है, आप ये देखें ना, जैसे यहाँ पे है जो सेकंड स्टैंजा था. सेकंड स्टैंजा क्या है? सेकंड स्टैंजा है कि कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. अब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट पर्सन आ गया. तो आप इसको जब आप लिखेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि द ऑथर द पोएट सॉ या ही सॉ, नो. आप इसको जब पैराफ्रेज करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, द डैफोडिल्स वर अरेंज्ड इन अ कंटीन्यूअस लाइन स्ट्रेचिंग अलोंग द बेस एज लाइक द नेवर एंडिंग स्टार्स ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, एट अ ग्लांस आई सॉ 10,000 डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन अ लाइवली डांस. ओके सर, थैंक यू. रेपिटेशन एंड एलिट्रेशन. देखिए एलिट्रेशन जो है ना, एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, रेपिटेशन होती है. रेपिटेशन कोई अलग से फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. Repetition is not a figure of speech. Repetition is a phenomenon. It is an attribute or it is a quality that can be there. अब जब repetition होती है, जब repetition of same sounds या repetition of same word होती है, तो उसको हम बोलते हैं alliteration. अब alliteration जो है ना, उसको further उसकी फिर दो types हैं, assonance and consonance. अगर तो वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको एजोनेंस बोलते हैं. अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं. नहीं, एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट्स की भी हो सकती है, वो वॉवल्स की भी हो सकती है. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू नो ऑल ऑफ द पोइम्स हियर. ठीक है, we will just talk about this ke aapne kaise karna hai. Jiska second stanza hai, the daffodils were arranged in the continuous line stretched along the bay's edge like the never ending stars twinkling on the milky way. Ye ho gaya. Isme se kis tarah ke questions aap se puche ja sakte hain? How did the daffodils appear to be arranged? The daffodils were arranged in a never ending line along the bay's edge. And how did the daffodils compare to the stars on the milky way? Abhi aap se figure of speech mein se pucha ja raha hai. The daffodils were compared to the stars on the milky way in terms of their continuous and twinkling appearance. And how many daffodils did the speaker see? The speaker saw 10,000 daffodils at a class. Uske baad jo third stanza hai, that is the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves were dancing beside the daffodils, but they seemed to outdo the sparkling waves in their happiness. A poet could not help but feel joyous in such a cheerful company, although at that time I did not realize the value that this sight would bring to me. Ab isme se kis tarah ke question hai sir? Ji bacche, sir ki agar hamare paas jo bata rahe hain matlab paraphrasing ke mutalliq ki agar hamare paas jis tarah pehla jo sentence ka wo aaj kaun ki I wandered as a lonely cloud is tarah karke, to sir isliye hum like poet ke context se batayenge. The poet was roaming around the poet was not roaming around. Simple, aap yahan se paraphrase start karenge, as I walked along like a cloud floating, is tarah yahan pe likha hua hai. Okay sir. Okay. Let me check how Abdullah has paraphrased. Hum kaun sa paper kar rahe the, Abdullah ka ye wala kar rahe the? समरी का. अब ये मैं आपको ये वाले पेपर साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा ये अंदाजा भी हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को आपने किस तरह से फ्रेम करना है. ठीक है, अच्छा. अब इसमें देखें, इसमें मैंने लकीली इसको इसमें से डैफोडिल्स में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. अब ये वाला जो स्टैंजा है, इसको इसने पैराफ्रेज किया है अब्दुल्ला ने. तो ये देखें, द डैफोडिल्स वर as large in number as the shining stars in the Milky Way galaxy. They were non-stop stretching till the edge of the land in the center with water. I saw 10,000 of them at a glimpse.
moving to and fro in energetic dance. So I hope now you understand how you have to paraphrase. Yes, sir. Yes. Okay. Rhyme क्या होती है? Sir, एक question करो. जी जी. Sir, इसमें इनने कुछ गलत किया है कि आपने इनका other number काटा है? Yes. Cutting. Number one. Yes. और फिर उसके बाद इसमें ये देखें ना, the daffodils were as large in number as the shining stars in the Milky Way. अब Milky Way तक enough था, galaxy दिखने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. अच्छा, they were non-stop. ठीक है. अब ये देखें, they were ये होना चाहिए था, they were stretching non-stop. ठीक है. Yes. ये होना चाहिए था, they were stretched. Not stretching, क्योंकि stretching जो है ये क्या होता है, जब मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, so that is stretching, that is an activity that is happening. लेकिन जब मैं किसी चीज को देखता हूँ, फूलों की तरफ देख रहा हूँ, तो फूल जो है they are not stretching. Yes. They are stretched. क्योंकि मैं उनको describe कर रहा था ना, कि आप कहते हैं used car और using car. दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना. Yes. So, इस तरह की कुछ छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से फिर नंबर्स आप उनके कट जाते हैं. सर, ये क्या, अगर मेरी सारी पैराफ्रेजिंग सही हो और मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूं, तो इसमें मेरा नंबर कट सकता है? हाँ, अगर जो एग्जामिनर है आपका, अगर वो इस चीज को लेके कॉन्शियस है तो. Yes. ठीक है. इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर आवरसेल्फ. यस, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हमजा. Yes. मुझे exact word नहीं मिल रहे थे कि मैं किस तरह से ये concept समझाऊं, and you have explained it beautifully. कि you have to consider ourselves as a poet while paraphrasing. आप देखें, एक simple सी जो paraphrase का जो concept है ना, अगर आप the word paraphrase को देखें, तो it is basically para and phrase. इसमें दो चीजें हैं. This means कि आपका जो stanza होता है ना, अगर आप stanza का tempo देखें, तो stanza कभी भी आपका क्या होता है, sentence की form में नहीं होता, टुकड़ों की सूरत में होता है, क्योंकि राइटर ने अपनी राइमिंग स्कीम को मेंटेन रखना होता है और बहुत सारी चीजों को उसके पास अपने उस पोएटिक ब्यूटी को मेंटेन रखना होता है. तो वो क्या करता है, वो यही, और नैरेटिव के अंदर, पैराग्राफ के अंदर और स्टैंजा के अंदर फर्क भी यही होता है. पैराग्राफ के अंदर भी थॉट होती है, स्टैंजा के अंदर भी थॉट होती है, लेकिन पैराग्राफ जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में होता है. आपने सिंपल बेटा उस जो स्टैंजा है उसको आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपने उसको लिख देना. ठीक है, और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना. अच्छा, तो आगे चलते हैं. Daffodils. I think daffodils के हवाले से इतनी discussion काफी है. We should move to the next poem. Yes. Yes, sir. Okay. बाकी आप इसको देख लीजिएगा. उसके पास stopping by woods है. तो stopping by woods भी again it's a very simple poem. Anyone जिसकी मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने books open करके बैठनी है. तो कोई ऐसा बच्चा जो पंजाब की किताब में से stopping by woods का first stanza जो है उसका text read कर दे. Quickly. So, मैं कर दूँ? जी जी. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he won't see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Yes. Now, इसका paraphrase करेंगे. I believe I know the woods, who the woods belong to, and I know that the owner's house is in the nearby village. Since the owner will not be able to see me from here, I decide to stop and enjoy the sight of the snow-filled woods. This is how you will do the paraphrase. फिर इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जी बच्चे. सर, ये जो पॉइंट है, ये क्यों नहीं जाता कि ओनर उसको ना देखे, उसको देखे, यानी कि व्हाई? बिकॉज ही इज इंट्रूडिंग. आप जब किसी भी जो है वो किसी के भी वर्ड्स में किसी की जगह पे आप इंट्रूड कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट पर्सन टू नो. यस, ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज प्राइवेसी. व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव, व्हाट मेक्स द स्पीकर बिलीव ही नोज हु द वर्ड्स बिलोंग टू, द स्पीकर सीम्स टू रिकॉग्नाइज द ऑनर ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. एंड वेयर इज द ऑनर्स हाउस लोकेटेड, द ऑनर्स हाउस इज लोकेटेड इन द नियर बाई विलेज. And why does the speaker stop to watch the words? The speaker stops to watch the words, the snow filling the words.
ठीक है, तो इस तरह के आपसे सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा को रीड करें। सर मैं रीड करूं? जी जी। माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यस, सो माय हॉर्स फाइंड्स क्वीर कवर्ड था, क्वीर मींस ऑड। माय हॉर्स फाइंड्स इट ऑड दैट वी हैव स्टॉप्ड इन द वुड्स व्हेन देयर इज नो फार्म हाउस इन साइट। It is the darkest evening of the year and we are standing between the woods and a frozen lake. ठीक है? अच्छा, next की तरफ move करें, next paraphrase की तरफ। Sir, मैं करूं? Yes. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Yes, my horse shakes its harness bells. As if to ask if there is a mistake, and the only other sound are the gentle wind and falling snowflakes. The peacefulness of the woods make me feel isolated and alone. ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो सर एक क्वेश्चन है। जी जी बच्चे। सर ये जो सेकंड स्टैंजा था कि to stop without a farmhouse near, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था हमारे एक पेपर में कि where is there some place to stay and this name yani ke tell where there is a place to stay yani ke describe karna ke kidhar hum reh sakte hain to maine likha there is no nearby place to stay theek hai to sir ye correct hona chahiye tha yes the answer should be correct but agar aapne usme koi grammar ki mistakes ki hain ya aapne agar aapka sentence structure theek nahi tha to maybe aapke teacher ne aapke uske koi marks jo hai wo aapse kaate honge okay So next we have the next stanza is very easy stanza and I don't think is poem mein se agar koi stanza aata hai to wo aapko last wala stanza de last stanza bada easy sa hai the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep so the woods are sir isme ek aur is wala mera ke ye jo and miles to go before I sleep sleeps ka matlab yani ke death ya yes the word sleeps it basically it gives double meanings The writer is talking about. Apparently, he is talking about the earthly sleep. Okay, the sleep in its denotative meaning. But in larger context, the author is basically the whole of the poem is basically philosophical. पूरी की पूरी जो poem है इसमें the concept of fear is there, the concept of privacy is there, the concept of gloominess is there. And then he basically develops that everything is gloomy, everything is dark, and everything is very queer. And even जो देखें horse जो है that it's basically the resources. आप अगर इसको contextualize करते हैं तो this means कि अगर आप अपने आपको poet की जगह पे रखते हैं तो horse जो है that is basically a symbol of the relationship. वो आपके relatives, आपके teachers, आपके दोस्त वो सारे के सारे. तो क्या होता है कि जब आप when you want to do something तो आपको सब क्या रहते हैं चलो वापस करो चलो अभी मतलब आज अगर आप कहते हो मैंने क्रिकेट खेलने जाना है तो आपकी मामा आपको कहेंगे आराम से बैठो कल आपका पेपर है चलो बैठ के स्टडी करो तो ये सर जी जी अच्छा थीम सर क्या होती है मतलब इसकी थीम क्या होगी इस वाले स्टैंजास की देखें थीम जो है ना वो थीम बेसिकली क्या होता है थीम वो बेसिक आइडिया होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ऑथर जो है वो पॉइंट के अंदर देना चाहता होता है ठीक है अब वो क्या करते हैं आपके जहन में एक लेट सपोज आपकी थीम कोई भी थीम आपके बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना होते हैं थीम ऑफ लव हो सकती है थीम ऑफ फियर हो सकती है थीम ऑफ होप हो सकता है अब आप आपके जहन में कि यार मैं ना उम्मीद के ऊपर कुछ लिखता हूँ तो आप क्या करोगे उसको फिर उसका एक सिनेरियो क्रिएट करोगे आप उस सिनेरियो के जरिए जैसे नेसेसिटी है नेसेसिटी जो है दैट इज द थीम ऑफ थर्स्टी क्रो इन्वेंशन ठीक है कि इन्वेंशन जुगाड़ लगाना ये थीम है अब नेसेसिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको आप चलता फिरता देख सकें तो आप क्या करेंगे उस थीम के ऊपर फिर एक पूरा एक सिनेरियो डेवलप करेंगे और उस सिनेरियो के जरिए आप बेसिकली नेसेसिटी के हवाले से लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे होते हैं अब जैसे ये पूरी की पूरी पोएम है आपके डैफोडिल्स तो डैफोडिल्स की जो थीम है वो क्या है दैट इज लव फॉर नेचर पूरी पोएम में पोएट हमें यही बताना चाह रहा है कि भाई नेचर से मोहब्बत करनी है अब नेचर से मोहब्बत करने के लिए कोई सिर्फ यही एक डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की एक डैफोडिल्स नहीं है आपके जहन में एक चीज आती है कि यार लोगों को नेचर से मोहब्बत सिखानी है तो आप एक दूसरी पोएम लिखने के आप सूरजमुखी के फूलों के बारे में लिखते हैं आप कपास के बारे में लिखते हैं आप गंदम के बारे में लिखते हैं आप परिंदों की चहचहाट के बारे में लिखते हैं आप बारिश के बारे में लिखते हैं तो क्या वो थीम आपकी वही सेम होगी इसी तरह से थीम इसकी थीम जो है वो यही है
कि इसकी थीम है बेसिकली यू नो एस्केप वर्सेस यू नो क्या उसको बोलते हैं रियलिटी, ठीक है, वर्सेस इमोशंस. एक तरफ आपके इमोशंस हैं जो आपको कहते हैं कि आपको यू नो क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड योर ड्यूटी. सही से बताइए. क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन इमोशन योर इमोशंस एंड ड्यूटीज. अब वो जैसे लास्ट में आपको कहते हैं ना कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो. भाई दिल तो कहता है कि बंदा यहीं पर रह जाए लेकिन क्या है कि मुझे अपने काम भी करने हैं. एक तरफ यह है कि आपको आपका दिल आपको कहता है कि यार छोड़ो यार क्या करना है यार क्लास लेके आया मैं सुबह से, टीचर जो है वो 9 बजे से बोल रहा है 11 बज गए हैं चलो बंद करो क्लास को और जाके सोते हैं जाके पबजी खेलते हैं या जाके कोई मूवी देखते हैं. तो दिल तो करता है, दिल तो मेरा भी अभी कर रहा है कि मैं छोड़ूं क्लास को और जाके मैं जो है ना वो बाहर इस्लामाबाद के रोड्स के ऊपर जाके घूमूं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं. बट नहीं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप. दिस इज द मैसेज दैट द ऑथर इज बेसिकली ट्राइंग टू गिव यू थ्रू आउट द पोएम. ठीक है एंड इट हैज बीन फुल ऑफ पॉजिटिविटी इफ इट हैज बीन फुल ऑफ एक्टिविटी एंड फुल ऑफ चार्म सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डार्क. बट यहां पे लिखा डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. जी बेटा. बट यहां पे लिखा हुआ है कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल की सबसे डार्केस्ट. अच्छा मैं मतलब आपको एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई दैट इवनिंग वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. यस. अब इसका हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए फिर वी हैव टू गो टू द कॉन्टेक्स्ट कि उसने किस दिन लिखी थी और उस दिन जो है वो जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि 21 जून का दिन जो है वो सबसे लंबा दिन होता है. अब अगर आप पोइम लिख रहे हैं और पोइम में आप जैसे हम अमावस की रात, ठीक है, जो आपकी जो 21वीं की या 22वीं की जो रात होती है जिस उस रात को बिल्कुल अंधेरा होता है चांद बिल्कुल निकलता ही नहीं है तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट जस्ट टू टेल एंड द कॉन्टेक्स्ट द मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे इज के वो बेसिकली आपको बताना चाहते हैं इंसान की वो हालत या इंसान जब एक ऐसे टाइम पे पहुंच जाता है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें जो हैं वो क्या होती हैं वो इंसान को ख़त्म होती हुई नजर आती हैं. इवन उसका जो घोड़ा है वो भी बेचैन है कि यार हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं हमारा यहाँ पे रुकने का कोई तुक नहीं बनता. ठीक है सर. इसका ये हो सकता है कि एटमॉस्फेयर ऑफ डार्कनेस एंड लोनलीनेस व्हिच इज सपोर्टेड बाय विंटर. यस, आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो लॉनलीनेस है वो उसको क्या कर रही है उसकी वजह से वो ही इज फीलिंग एज इफ इट इज द डार्केस्ट जैसे डार्केस्ट ईयर ऑफ द नाइट जैसे होता है ना कि माय फादर वाज ऑन द स्ट्रेचर एंड दैट वाज द लॉन्गेस्ट नाइट फॉर मी दैट वाज द लॉन्गेस्ट नाइट दैट आई एवर हैड. अब वो ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस रात जिस रात आपके अब्बू बीमार थे तो उस रात वो जो रात थी वो 12 घंटे की बजाय वो 4000 घंटों की हो गई थी. नहीं, बट आप उसको कॉन्टेक्स्टुलाइज कर रहे होते हैं इस तरह से कि यू बेसिकली वांट टू एम्फसाइज. ओके. तो और दूसरी बात ये कि व्हेन इट कम्स टू पोएट्री तो उसमें देयर कैन बी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हर चीज की जो है वो मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस जो है वो हो सकती हैं. ओके. यस. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. हमने स्टैंजा 4 में अपने आप को पोएट क्यों नहीं कंसीडर किया? Yes, the woods are beautiful, dark and deep. यहाँ पे आप कर लेंगे but I have promises to keep. Maybe when I was writing it, so I did this mistake. But I have promises to keep and miles to go before I can rest. Sir. Okay, thank you. ठीक है, जी. Sir. जी. जी. Sir, ये stanzas कौन से books आएंगे मैं? जी जी बेटा. Sir, कैसे? ये स्टैंजास कौन-कौन से बुक से आएंगे? एक में खास से पंजाब से आएगा और एक बलूचिस्तान से आएगा. देखें, चार आपको क्वेश्चंस आने हैं तो उसमें प्रोबेबली डेफोडिल्स जो है उसको तो हम दोनों में ही रख लेते हैं ना. अगर डेफोडिल्स में से आ जाता है एक क्वेश्चन और डेफोडिल्स में से आपको पैराफ्रेज या किसी ना किसी फॉर्म में आपको डेफोडिल्स में से लाजमी क्वेश्चन आएगा. अब एक डेफोडिल्स में से आ जाएगा, उसके बाद आपके पास पंजाब की एक पोएम रह जाती है और आपके पास बलूचिस्तान और केपीके की दो बुक आ जाती हैं. अब उसमें ये बात जी जी मैं पंजाब की बुक के अगर दो पॉइंट्स कर लेता हूं तो उसमें मेरे एक पैराफ्रेजिंग वाले उसके नीचे के क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे?
हाँ आपके निकल जाएंगे, लेकिन ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दो बुक्स करें, पंजाब की बुक और जो बच्चा पंजाब की कर रहा है वो साथ में बलोचिस्तान या केपी के वाली एक बुक लाजमी करें, और जो बच्चा केपी के कर रहा है, जो मेरे पास बच्चे थ्रू आउट पढ़ते रहे हैं उनको मैंने पंजाब और बलोचिस्तान की, पंजाब और केपी के की दोनों बुक्स जो है वो उनको मैंने पढ़ाई है। उसकी वजह ये ना कि देखें आपकी जो आपके आपके पास चार स्टैंजा आएंगे तो चार में से जो है वो आपके एक तो जिस तरह डेफोडिल्स में से आ गया, बाकी वो आपको क्या करेंगे, बाकी वो बलोचिस्तान में से भी एक स्टैंजा देंगे, ठीक है, और एक वो केपीके की बुक में से अदर देन डेफोडिल्स देंगे, और एक वो पंजाब में से जो है वो अदर देन डेफोडिल्स देंगे। तो अब उसमें ये होगा कि आपने लेट सपोज अगर बलोचिस्तान वाली जो बुक है, बलोचिस्तान वाली बुक में से वो दो स्टैंजाज नहीं दे सकता, केपीके वाली बुक में से वो दो नहीं दे सकता, बलोचिस्तान पंजाब वाली में से भी दो नहीं दे सकता। अब बात यह है कि पंजाब में है ही दो और उसमें से एक जो है वो उधर रिपीट हो रही है, सो दिस मीन्स के पंजाब की जो दोनों जो पोइम्स हैं दोनों में से एक एक जो है वो, मतलब दोनों पोइम्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो अब मैंने पढ़ी केपीके की बुक है ना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर वो तो इसका रिपीट हो रहा है डेफिनेटली का, वही ना डेफिनेटली है ना, जी और जो सेकंड है ना वो होप इज आई थिंक वाला, हां वो भी बलूचिस्तान की बुक में जो थर्ड चैप्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है उसका। अच्छा होप इज द थिंग विद फेदर्स, ये बलूचिस्तान में भी है? यस सर मैंने पढ़ा है ये। हाँ तो बस ठीक ठीक है ना, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको दो बुक्स जो है वो लाजमी लाजमी करनी है। अब जो बच्चा जो है ये इसमें मैंने पंजाब और जो केपीके है उसकी मैंने लिखी है, तो दिस मींस के अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें से आपकी ये होगी कि बलोचिस्तान की भी एक दो आपकी रिपीट हो जाएंगी। यस सर। फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है उसको अगर हम सामने रखें तो फिर अगर आप दो कर लेते हैं दिस मींस कि आपने सिर्फ फाइव पॉइंट्स करनी है, फाइव पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका पोएट्री वाला क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। ये वाला जो स्टैंजा है इस तरह का स्टैंजा कभी भी पैराफ्रेज के लिए नहीं आता होता, क्योंकि उसमें देखें उसमें सिर्फ एक लाइन है, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. और उसके बाद नेक्स्ट वही चीज जो है एनाफोरा की फॉर्म में वो रिपीट हो रही है, तो ये आई जस्ट रोट इट क्योंकि वो स्टैंजा तो करना था ना, मैं इसको बिल्कुल स्किप तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसके इसका अगर मैं पैराफ्रेज करता हूँ तो इसका पैराफ्रेज यही, और ये मैंने इसकी तरफ आने से पहले ही आप लोगों को मैंने ये एक दे दिया था कि ये वाला जो स्टैंजा है इट्स नॉट अ स्टैंजा कि जिसको हम पैराफ्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंसिडर करें, ठीक है, तो बट व्हेन आई वाज राइटिंग तो आई थॉट कि चलो एक एक इसमें लाइन और ऐड कर देते हैं। सर ये जो लास्ट लाइन है स्टैंजा की एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसमें क्वेश्चन आया था कि ये रिपीट क्यों हो रही है, लाइक टू मेंटेन, एक तो इसका जवाब जो है वो ये है कि वो उसको जाहिर बात है स्टैंजा की फॉर्म में उसको लेके आ रहा है तो उसकी अपनी राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा जो है टू एम्फसाइज, ठीक है, एनाफोरा इसको हम बोलते हैं कि वही लाइन जो है वो आगे से कि आप उसी लाइन को आप रिपीट कर रहे हैं, तो टू एम्फसाइज एम्फसाइज। सर जी जी सर जो अगले दो जो है वो केटीके की बुक्स है ना, तो सर मेरे पास उनके स्टैंजास नहीं है, मतलब तो सर